हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट है, यूनिट सेकंड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, ये सारी चीजें। तो ये बेसिकली तीन टॉपिक आपके बचे हुए हैं जो आपकी यूनिट सेकंड से रिलेटेड हैं। तो इसके बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए जल्दी जल्दी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी चीजें पता चल सके, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने काफी चीजें सेकेंड यूनिट के बारे में एक्सप्लेन की है, तो आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो को, जिसमें जैसे कि मैं बताने वाली हूँ एटीट्यूड और बिलीफ के बारे में। एटीट्यूड और बिलीफ क्लोजली रिलेटेड होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो एटीट्यूड का मतलब होता है कि इंडिविजुअल की जनरल इवोल्यूशन क्या है, या फिर किसी भी पर्सन के तरफ क्या फीलिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, आइडियाज क्या है। जबकि बिलीफ में एक इंडिविजुअल क्या करता है, उस किसी भी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, किसी भी चीज पर विश्वास करना। तो एटीट्यूड पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से फॉर्म्ड होता है, या फिर सोशल इन्फ्लुएंसेस से फॉर्म्ड होता है। ये इंडिविजुअल की वैल्यूज, बिलीव्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी बहुत प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल बोला गया कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेकर के, तो क्या करेगा, दे वैल्यू हेल्थ एंड हैव हैड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस विद एक्सरसाइज इन द पास्ट, यानी कि वो सारी चीजें अच्छी वे में ही बताएगा। बिलीफ बताया गया है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो मोर स्पेसिफिकली और टिपिकली बेस्ड होता है इंडिविजुअल की पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे। ये प्रभावित होती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे, और भी बहुत सारे सूचना के जो माध्यम है, संप्रेषण के जो माध्यम है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि एक इंडिविजुअल बिलीव कर लेता है क्लाइमेट चेंज होती है, जो किसके द्वारा होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रही है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में रीड कर रहे हैं, उस क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है कि बोथ जो भी एटीट्यूड और बिलीफ है, ये इन्फ्लुएंस होती हैं और चेंज होते रहते हैं। और इसमें बोला गया है कि व्हाट टाइम एंड एजुकेशन एक्सपोजर टू न्यू एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव एंड चेंजेस इन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स कैन ऑल इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स। इसमें बोला गया है कि एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे नए एक्सपीरियंस को भी बताता है, पर्सपेक्टिव को बताता है, जो कि हमारे कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स को चेंज करने में, उसको एक इंडिविजुअल की जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, उसको प्रभावित करने में मदद करती है, इन्फ्लुएंस करने में। तो इन शॉर्ट बोला जाए, इन समरी बोला जाए, कंक्लूजन बोला जाए, तो एटीट्यूड का मतलब होता है कि इंडिविजुअल की क्या इवोल्यूशन है, फीलिंग्स क्या है एक पर्सन की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, आइडिया की तरफ। जबकि बिलीफ का मतलब होता है कि इंडिविजुअल की क्या कन्विक्शंस है, यानी कि एक जो ट्रुथ है उसके प्रति क्या एक्सेप्टेंस है उसकी, किसी भी ट्रुथ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज रिलेटेड जो एक सच्चाई है उसको के बारे में बात बोली गई है। तो जो भी एटीट्यूड और बिलीफ है वो बहुत ही तरीके से प्रभावित होती है बहुत सारे फैक्टर से, और चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, यूनिक ओवर टाइम। बोला गया है माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लिसनर्स, जैसा कि देख सकते हैं, कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेजेस, फीडबैक, ये सारी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले जो भी वीडियोस बताई हैं उसमें डिटेल में डिस्कशन किया है। कौन से माल फंक्शंस हैं, तो बात कर ले नॉइज। नॉइज भी बहुत ही ज्यादा इंटरप्ट करता है, जैसे कि कह सकते हैं आपकी ये किसी मैसेज को जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मिस इंटरप्शन की प्रॉब्लम्स होती है उसमें, कि हम सेंडर के चीजों को, मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं, इनकम्प्लीट मैसेज देना। नेक्स्ट है कि इमोशनल इंटरफेरेंस करना, है ना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो एंग्जाइटी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। कल्चरल डिफरेंस आना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होना, तो ये जो माल फंक्शन कम्युनिकेशन के क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ले आते हैं, जिनके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं। क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज का अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे से लैंग्वेज को, अपने अच्छे से चीज़ों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, अपने कल्चरल डिफरेंसेस को अवेयर करा सकते हैं, और एक्टिव लिसनिंग के जरिए हम किसी चीज को समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक, यानी कि बिजनेस एटिकेट्स के बारे में बात करें। तो लिसनर्स, इसमें बिजनेस एटिक का मतलब होता है कि हम जो भी डिफर्स टू द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इन प्रोफेशनल सेटिंग, यानी कि नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो भी है उसको एक्सेप्ट करना प्रोफेशनल सेटिंग में, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे मदद करता है एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट के लिए, और
प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करता है, एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद करता है। तो कुछ बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि ड्रेस कोड होता है, पंचुअलिटी हो गई कि अब पंचुअल हो कि नहीं, अब टाइम पे पहुंच रहे कि नहीं मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, इंट्रोडक्शंस हो गया कि नहीं, अपने 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 आप को कैसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, प्रोफेशनल टाइटल या फॉर्मल लैंग्वेज में। हैंडशेक्स हो गया, यानी कि जैसे कि आप देखते हो कि हैंडशेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये इससे क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म झलकती है ना। जबकि अगर आप देखेंगे तो जो अलग अलग प्रोफेशंस में जो लोग हैं उनके हैंडशेक करने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। जिसको जैसे भाई जिसको काम होता है वो अलग तरीके से करता है। अब अगर मैं आपको इस पर वीडियो बना करके जैसे बताती तो इसमें मैं आपको क्लियर कर पाती कि हाँ कैसे हैंडशेक कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, कैसे किए जाते हैं। सो बेसिकली एक तो आप लोग सभी जानते हो जैसे कि हम सब करते हैं नॉर्मल, लेकिन और भी बहुत सारी तरीके की होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का यूज करना, चाहे वो जिस तरीके का भी हो, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ईमेल, फोन हो गया, और चाहे सोशल मीडिया हो गई। नेक्स्ट बोला गया डाइनिंग एटिकेट्स, यानी कि बेसिक डाइनिंग एटिकेट को समझना, जैसे कि हमारी यूटेंसिल्स को करेक्ट करना, वेट करना दूसरों के लिए, सर्व करना, मतलब खाने से पहले नहीं हम वेट करते हैं, पोलाइट लैंग्वेज का यूज करते हैं, एकदम अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका थैंक यू नोट्स भी देना, यानी कि एक थैंक यू नोट या ईमेल सेंड करना मीटिंग के बाद या इंटरव्यू के बाद, ताकि हम एक अप्रिसिएशन एक्सप्रेस कर पाए, एक कह सकते हैं कि पुनर्वलन दे पाए, एक पॉजिटिव इंप्रेशन दे पाए उस चीज को, उस चीज का पुनर्वलन दे पाए, मोटिवेट कर पाए, रीइंफोर्स कर पाए अ पॉजिटिव इंप्रेशन, यानी कि पॉजिटिव इंप्रेशन को रीइंफोर्स करना। तो इसमें बोला गया है कि किस चीज को फॉलो करके एक बिजनेस एटिक को, मतलब बेसिक बिजनेस एटिक प्रैक्टिसेस जो है उनको आप एक रिस्पेक्ट शो कर सकते हो प्रोफेशनलिज्म की तरफ और अपने कलीग्स की तरफ, अपने जैसे कि कह सकते हैं कि इस चीज को फॉलो करके आप एक इंट्रैक्शन बना सकते हो, अच्छा इंट्रैक्शन बना सकते हो अपने कलीग्स से, क्लाइंट से, कस्टमर से, और अपनी अपनी रेपुटेशन को बढ़ा सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल। हेलो, तो थैंक यू सो मच लिसनर्स, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।